Assalamu alaikum. Hello students, how are you? Today we will see lesson number 18 of compiler construction. But as per our routine, before starting today's lecture, let's have some review of previous lecture. In our compiler module that we are studying, the parser obtains the strings of tokens from the lexical analyzer and verifies that the string of token names can be generated by a grammar for the source language. ये जो लाइन है द पार्सर ऑब्टेन्स द स्ट्रिंग्स ऑफ टोकन टोकन्स को कहाँ से मिलते हैं लेक्सिकल एनालाइजर के फेज से या लेक्सिकल एनालिसिस के फेज से जो कि बेसिकली इसको हमने लेक्सिकल एनालाइजर का है इसको हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके यहाँ से इसको टोकन रिसीव हो गए इसका काम है वेरीफाई करना पार्सर का टास्क यह है इसको वेरीफाई करना वेरीफाइज दैट द स्ट्रिंग ऑफ टोकन नेम्स can be generated by the grammar for some for the source language to verify karne ke baad usko parse tree mein ye convert kar deta hai so the basic task of parser or second phase of compiler is to verify the string of token names which is generated by lexical analyzer and then in the phase of verifying it changes the token into a parse tree, token name into a parse tree, and then gives this parse tree to the next stage of the compiler. जो कि basically क्या करता है next stage intermediate representation इसकी generate कर देता है. Then we saw some error recovery stages और error recovery approaches और strategies जिनको हमने देखा था. इसमें से first approach थी कि there is no recovery. इस स्टेज में क्या होता है कि सिंपली एक एरर मैसेज को प्रिंट कर देते हैं हम जो भी एरर अकर होता है उसको प्रिंट कर देते हैं वहां पे जहां से आगे हमारे पास पार्सिंग को कंटिन्यू हम नहीं कर सकते मींस कि अब हमारा जो पार्सर है वो स्टक हो गया उसको मजीद वेरीफाई नहीं कर सकता या उस एक खास स्टेज से आगे नहीं जा सकता तो जिस प्रॉब्लम की वजह से वो स्टक हुआ है तो उस प्रॉब्लम को हम It means there is an error and उस error को message को हम print कर देते हैं उस problem को print कर देते हैं और parsing को terminate कर देते हैं panic mode recovery and phrase level recovery इन दोनों के बारे में हमने study किया था और हमने ये भी discuss किया था कि ये दोनों use होती हैं practically in our parser mostly Panic mode recovery क्या कहता है? The parser discards input until it encounters a synchronizing token. For example, जिस तरह हमने तो इसका synchronizing इसको synchronize करेगा इसका ending parenthesis. तो उस वक्त तक ये उसको reject करता रहता है जब तक इसका इसको synchronizing token नहीं मिल जाता. This is panic mode recovery. Phrase level recovery में क्या होता है कि ये उसका जो प्रीफिक्स है जहां पे प्रॉब्लम आ रही है उसको रिप्लेस कर देता है ऑफ द रिमेनिंग इनपुट बाय सम स्ट्रिंग ऐसी स्ट्रिंग से कि जो हमें लगता है कि ये जो कंपाइलर को या जो फेजर पार्सर को लगता है कि ये ठीक होगा इसके लिए तब जो भी मिस्टेक है वो स्पेलिंग मिस्टेक है तो मोस्टली ये स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेक करता है फॉर एग्जाम्पल अगर इफ है तो और प्रोग्रामिंग में कहीं एफ आई लिखा हुआ था ये इसको रिप्लेस कर देगा इफ के साथ इनको इंटरचेंज कर देगा आपस में एक दूसरे के साथ एंड अनदर एग्जांपल कि अगर इफ के अंदर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर लिया जबकि हमने इक्वालिटी ऑपरेटर यूज करना था तो वो एक नई स्ट्रिंग को ऐड कर देगा इसके अंदर तो बेसिकली हमें फ्रेज लेवल रिकवरी में ये होता है कि हम उस फ्रेज को रीफ्रेज कर देते हैं दैट्स व्हाई इट्स नोन एज फ्रेज लेवल रिकवरी एरर प्रोडक्शंस इंक्लूड प्रोडक्शंस फॉर कॉमन एरर एरर प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी के अंदर हम अपनी ग्रामर के अंदर कुछ प्रोडक्शंस एरर्स के लिए कुछ प्रोडक्शंस इंक्लूड कर देते हैं जो अगर कोई एक्सपेक्टेड एरर हो या एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो जो उस ग्रामर के नतीजे में या उस लैंग्वेज में हम जिसको चेक कर सकते हो तो उसके नतीजे में जो उसकी उसको काउंटर करने के लिए जिस तरह ट्राई कैच जैसा कैच का ब्लॉक आता है ट्राई कैच का ब्लॉक जावा की प्रोग्रामिंग के अंदर हम मोस्टली यूज करते हैं ट्राई कैच कि कैच के अंदर हम पहले ही लिख देते हैं कि ये एक्सेप्शन आएगी तो आपने ये काम करना है
तो सिमिलरली उसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करें, ये सेम इसकी मीनिंग है, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम जो इंक्लूड कर देते हैं प्रोडक्शंस फॉर कॉमन एरर्स। ट्राई कैच का जो ब्लॉक है वो मोस्टली जावा के अंदर हम उसको यूज करते हैं। देन देयर इज अ ग्लोबल करेक्शन, कि चेंज द इनपुट आई टू द क्लोजेस्ट करेक्ट इनपुट एंड नेम इट एज आई डैश और प्रोड्यूस द पार्स ट्री फॉर आई डैश, कि आई डैश के लिए वो पार्स ट्री को प्रोड्यूस कर देते हैं। और आई डैश क्या चीज है, कि क्लोजेस्ट जो इनपुट है करेक्ट इनपुट आई के नजदीक तरीन जो भी उनको लगता है, जिस तरह एफ आई जो है वो फाई की नजदीक तरीन क्लोजेस्ट इनपुट है, तो इस ग्लोबल कलेक्शन में इसको इफ से रिप्लेस करेंगे, उसको आई डैश इस जो भी इस इनपुट सिंबल को या टोकन को आई डैश डिक्लेयर करेंगे उसका टोकन पार्स ट्री जनरेट कर देंगे। पार्स ट्री होता क्या है, अ पार्स ट्री इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेरिवेशन, क्योंकि हमने शुरू में जो डिस्कस किया था कंपाइलर मॉडल जो हमारा जिस कंपाइलर को हम स्टडी कर रहे हैं कि पार्सर बेसिकली वेरीफाई करता है। सो पार्स ट्री इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेरिवेशन दैट फिल्टर्स आउट द ऑर्डर इन विच प्रोडक्शंस आर अप्लाइड टू रिप्लेस नॉन टर्मिनल्स। सो फॉर एग्जाम्पल हमने माइनस आईडी प्लस आईडी, इसकी अगर हम इस स्ट्रिंग को देखें तो ये इस स्ट्रिंग का पार्स ट्री है, जिसमें माइनस आईडी प्लस आईडी और पैरेंथेसिस जो है हमारे पास उसको उसका हमने इस स्ट्रिंग को हमने गिवन ग्रामर से जनरेट किया। इसी ग्रामर ऑफ कोर्स हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, लास्ट है लास्ट लेक्चर में। लीव्स ऑफ अ पार्स ट्री आर लेबल बाय नॉन टर्मिनल और टर्मिनल्स, जो लीव्स हैं ये नॉन टर्मिनल है, जो उसके आगे कोई ना कोई हमने डिजिट जो है कुछ भी हमने आगे इसको असाइन करना है बेसिकली आइडेंटिफायर। दीज आर ऑपरेटर्स विच आर ऑल्सो नॉन टर्मिनल्स एंड दीज आर पैरेंथेसिस जो कि खुद नॉन टर्मिनल्स। सो लीव है वो इस तरह से हम उसके साथ रिप्लेस करते हैं। और इस चीज को यील्ड्स भी कहा जाता है, कि जो हासिल है हमारा पार्स ट्री का। A grammar that produces more than one parse tree for some sentence or some input string is said to be known as ambiguous. इनके हम ऐसी ग्रामर को ambiguous कह सकते हैं जो एक स्ट्रिंग के लिए, एक इनपुट स्ट्रिंग के लिए, अगर और सिंप्लीफाई कर रहे एक टोकन के लिए, एक लग्जीम के लिए विच इज ऑब्वियसली ऑफ सम टोकन के लिए दो डिफरेंट parse tree जनरेट कर रहे। So alternatively, an ambiguous grammar is one that produces more than one leftmost derivation, ke ek se zyada leftmost derivation or more than one rightmost derivation, to us grammar ko hum kya kahenge ambiguous. For example, agar hum particular is tree ki baat kare is input string ke liye jo hamare paas ye hai, is input sequence of tokens ke liye humne jab जनरेट करनी है पार्स ट्री तो इस ग्रामर की मदद से, तो हमारे पास दो डिफरेंट पार्स ट्री आएंगे। मींस के पहली दफा हम इस प्रोडक्शन को यूज कर सकते हैं और दूसरी दफा हम सिमिलर पे इस प्रोडक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये एम्बिग्युइटी है, क्लियर नहीं है, कंपाइलर जो है या पार्सर जो है स्टेज पे कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने आइदर यहां से पार्स ट्री जनरेट करना है या यहां से नेक्स्ट जो है चाइल्ड वो जनरेट करने हैं। तो अगर हम उसकी डेरिवेशंस को देखें जो कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस हैं, तो ये हमारे पास दो डेरिवेशन है। लास्ट टाइम भी हमने इसको स्टडी किया था, इस अभी हम इसको रिव्यू में दोबारा देख लेते हैं। अगर हमने इस प्रोडक्शन का नंबर वन दे दें, टू थ्री एंड फोर, तो हम यहां से जो नंबरिंग है प्रोडक्शन की, जो सीक्वेंस जिस सीक्वेंस हम प्रोडक्शन को यूज कर रहे हैं उसमें जब ऑल्टरेशन होगी लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को पार करते हुए या उसको उसके राइट हैंड साइड से या उसकी बॉडी से रिप्लेस करते हुए अगर उनमें डिफरेंस होगा तो इट मीन्स के हमारे पास दो डिफरेंट ट्रीज जनरेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट से इसको रिप्लेस किया,
production use की id plus e, this is fourth. Fourth के बाद हमने इसको id plus e को again जो है e steric e से replace कर दिया, इस पूरे इस e को इस तरह replace कर दिया. तो ये e steric e हमारे पास दूसरी productions थी. Then हमने e से id को replace कर दिया जो कि हमारे पास चौथी प्रोडक्शन है. एंड देन हमने अगेन ई से आई डी को जो कि चौथी प्रोडक्शन है. तो हमारे पास जो सीक्वेंस बना दैट इज पहली फोर्थ टू फोर एंड फोर. इस सिनेरियो में हमने जो पहली प्रोडक्शन ही की वो टू की थी, टू देन वन then 4 and then 4 and then 4. तो ये यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस देखें तो ये 2 1 4 और ये 1 4 2 4 4. ये जो इनके प्रोडक्शंस की सिलेक्शन में डिफरेंस है दैट मीन्स के दो डिफरेंट पार्ट्स जनरेट कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली हमने इसको जियोग्राफी की जब शक्ल में प्लेस किया तो वो कुछ इस तरह से था. एवरी कंस्ट्रक्ट described by a RE can be described by a grammar, but it is not true in opposite case. Means ke jo jis construct ko hum describe kar sakte hain regular expression ke zariye usko hum grammar ke zariye bhi describe kar sakte hain, but jis construct ko hum grammar ke zariye define kar sakte hain zaruri nahi ki us grammar se hum dobara RE generate kar le. Alternatively every RE is a CFL but not vice versa. तो लास्ट जो हम बात कर रहे थे वो ग्रामर की थी और सेकेंड जो हम बात कर रहे हैं वो सिमिलर सिंटेक्स में ही कह रहे हैं, सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में ही कह रहे हैं, बट दैट इज मोर अबाउट लैंग्वेज. वाई वी यूज रेगुलर एक्सप्रेशन टू डिफाइन लेक्सिकल सिंटेक्स ऑफ अ लैंग्वेज. देर आर मोर देन वन रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्ट इज The first reason is for separating the syntactic structure of a language into a lexical and non-lexical part. कि हम जो उसका syntactic structure है, जो syntax है, basic syntax construct है, जो syntactic construct है language का, उसको हम दो different parts में divide करना चाहते हैं, जिसमें से पहला lexical part है, and second all is non-lexical part. That provides a convenient way of modularizing the front end of a compiler into two manageable sized smaller parts. यानी कि हमने basically एक पूरे construct को दो different एक आसानी के लिए इसको दो different parts में divide कर लिया. First को हमने lexical and rest of the part is non-lexical. तो हमारे लिए इनको manage करना थोड़ा आसान हो जाता है. Second reason is the lexical rules of a language are frequently quite simple and to describe them would do not need as powerful notation as grammars. So lexical mein hum isliye bhi divide karte hain taaki koi task koi part to hamare compiler ka relevantly simple aur easy to implement ho. Regular expressions generally provide a more concise and easier to understand notation for tokens than grammar. So this is also a third reason. More efficient lexical analyzer can be constructed automatically from REs than from arbitrary grammars. तो इन चारों reasons के बाद जो हमें एक चीज conclude कर सकते हैं lexical analyzer को separate करने की जो reason है कि हम एक तो मॉड्यूलर अप्रोच यूज कर लेते हैं, सेकेंड हम सिंपल सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं एटलीस्ट फॉर वन पार्ट ऑफ द होल कंपाइलर, थर्ड हम उस पार्ट को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एफिशिएंट बना सकते हैं कंसंट्रेट करते हुए सिर्फ उसकी अपनी फंक्शनैलिटी के ऊपर, थर्ड हम आरी को उसके अंदर आसानी से यूज कर सकते हैं बजाय हम जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ग्रामर उसको यूज करें. So regular expressions are most useful for describing the structure of constructs
such as identifier, constant, keywords and white spaces. जिस एम्बिग्यूटी की हमने बात की थी यहां पे कि अगर किसी एक ग्रामर से फॉर एनी इनपुट स्ट्रिंग हम दो पार्स ट्री जनरेट कर लें तो दैट इज एन एम्बिग्यूस. इस एम्बिग्यूटी को हम रिमूव किस तरह कर सकते हैं, उस ग्रामर को रीराइट करके विद फॉलोइंग सम प्रॉपर आइडिया. लेट्स सपोज अगर हम डेंगलिंग एल्स की एग्जांपल लें जिसको हम पहले से यूज करते आ रहे हैं और फ्यूचर लेक्चर्स में भी इसको हम यूज करेंगे. इस ग्रामर को कंसीडर करें इस इनपुट स्ट्रिंग के लिए विच इज अ कंबाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट. ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आई है, इसमें जो ई है वो एक्सप्रेशन को जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एस स्टेटमेंट हो एंड सिमिलरली ई जो है वो एल्स को और एस अगेन स्टेटमेंट को और एस री अगेन स्टेटमेंट को पॉइंट कर रहा है या सिंबल उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो हमने नोटेशनल कन्वेंशन स्टडी की थी. सो इस चीज को अब हम चेक करते हैं कि इसको रीराइट कैसे करना है इस सिमिलर ग्रामर को. और रीराइट करने का हमें फायदा ये होगा कि हम उस ग्रामर में से जो प्रॉब्लम है जहां से एम्बिग्यूटी रेज हो रही है उसको हम एड्रेस कर सके, दोबारा हमारी ग्रामर एम्बिग्यूस ना रहे. अगर हम इस ग्रामर पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो हमें नजर आएगा कि इसकी पहली प्रोडक्शन और दूसरी प्रोडक्शन का पहली कंप्लीट प्रोडक्शन और दूसरी प्रोडक्शन का एक पार्ट जो है वो सिमिलर है. इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि यहां तक कंपाइलर को दोनों प्रोडक्शंस पे गौर करना पड़ता है कि कहीं अगर स्टेटमेंट के बाद एल्स आ गया और उसने ये प्रोडक्शन सेलेक्ट कर ली तो वो एक गलत प्रोडक्शन को सेलेक्ट कर लेगा, तो उसको उस वक्त तक होल्ड रखना पड़ता है. आज हम स्टडी करेंगे इस चीज को लुक अहेड को कि भी लुक अहेड क्या चीज है, किस तरह वो लुक अहेड में नेक्स्ट इनपुट को देखता है जो बताता है कि एग्जैक्टली किस प्रोडक्शन को यूज करना है. सो लेकिन फिलहाल हम उस चीज को एड्रेस नहीं कर रहे. अगर हम इस चीज को एक तो हमने इस तनाजर में देखा कि हमारी दो प्रोडक्शंस का एक कंप्लीट प्रोडक्शन और दूसरी प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा, इसको हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल के रेफरेंस से बात करें, अदरवाइज ये भी हो सकता है कि दोनों प्रोडक्शंस का कुछ कुछ हिस्सा सिमिलर हो. अब इस पहले स्टेटमेंट जो है अब इसको हम एक और एंगल से देखते हैं. फर्स्ट प्रोडक्शन क्या कह रही है कि अगर एक्सप्रेशन मैच कर जाता है, तुमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था लेकिन आज हम इसको पहली दफा किसी और एंगल से देखा है, लेकिन सेकंड अब हम उसी एंगल से देख रहे हैं जो सिर्फ इसकी एम्बिग्यूटी पे फोकस कर रहा है. लेकिन जो पहली बात की है जो फर्स्ट एंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको हम आगे जाके यूज करेंगे, लेकिन इसका जिक्र तस्करा करना जरूरी था ताकि आपकी थोड़ी सी फेमिलियरिटी हो जाए इससे. लेट्स बी प्रिसाइज. पहली प्रोडक्शन मैच्ड सिनेरियो को शो कर रही है अगर एक्सप्रेशन मैच हो जाता है. सेकंड प्रोडक्शन इज अबाउट अनमैच्ड. तो अगर हम इसको इस तरह सेपरेट कर दें कि मैच्ड और अनमैच्ड सिस्टम को इसमें से निकाल दें और मैच्ड को एक जगह रख दें और अनमैच्ड को एक जगह रख दें, तो तब हमारी ग्रामर जो है वो थोड़ी सी ये चेंज करने के बाद हम उसको देखेंगे कि वो एम्बिग्यूटी से आजाद हो गई है. सो रीराइट द डिंगलिंग एल्स ग्रामर विद द आइडिया. व्हाट इज द आइडिया? अ स्टेटमेंट अपीयरिंग बिटवीन अ देन एंड एन एल्स मस्ट बी मैच्ड. दैट इज द इंटीरियर स्टेटमेंट मस्ट नॉट एंड विद एन अनमैच्ड और ओपन देन. सेकेंड थिंग, अ मैच स्टेटमेंट इज आइदर एन इफ देन एल्स स्टेटमेंट कंटेनिंग नो ओपन स्टेटमेंट और इट इज अ काइंड ऑफ अनकंडीशनल स्टेटमेंट. जो हमने बात की कि मैच्ड स्टेटमेंट के सिनेरियो में हमें कोई भी ओपन स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है,
तो सबसे पहले तो हमने इसको कह दिया कि दिस इज मैच स्टेटमेंट केस, अगर वो मैच कर जाता है. सेकंड को हमने कह दिया कि इट इज ओपन स्टेटमेंट विच कैन लीड्स अस टू मे बी अदर और टू दिस पार्ट. सो मैच स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, इफ एक्सप्रेशन देन मैच स्टेटमेंट एल्स मैच्ड स्टेटमेंट, कि ये दोनों सूरतों में मैच्ड हुई है और अदर तक जा सकती है. यानी ये मैच हमने इसलिए यूज किया है एल्स के बाद कि हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं. देन ओपन स्टेटमेंट के लिए इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, ये पहला पार्ट उसके लिए सेम रहेगा, इफ एक्सप्रेशन देन मैच्ड स्टेटमेंट एल्स ओपन स्टेटमेंट. तो ओपन स्टेटमेंट के जरिए हम अगेन इसको रिपीट कर सकते हैं, जो कि यहां पे था कि इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट एंड एल्स स्टेटमेंट. अगर इस ग्रामर पे हम गौर करें तो इसमें एम्बिग्यूटी हमें नहीं नजर आएगी, हम कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होंगे. हम शुरू में ही दो सेपरेट जगह पे चले गए कि जी एक मैच स्टेटमेंट पे जा रहा है और एक ओपन स्टेटमेंट पे जा रहा है. ओपन में हमारे पास एल्स पार्ट पे ओपन स्टेटमेंट पे आ जाएगा और मैच पार्ट पे सिंपल हम उसको मैच्ड पे रखते हैं. यहां पे मैच स्टेटमेंट हमने इसलिए यूज किया कि अगर वो मैच्ड करता है और यहां पे आया तो यहां से मैच स्टेटमेंट और अदर पे यहां से मूव कर सकता है अगर हमने अदर पे जाना है, क्योंकि अदर भी हमारा इसी का पार्ट है कि स्टेटमेंट के केस में हम अगेन स्टेटमेंट और अदर. तो यहां से हमने ये जो लूपिंग है वो या ये जो एक डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से की है. ओपन स्टेटमेंट के टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि अगर हमने सेकंड इस प्रोडक्शन से अगर हमने अदर वाली साइड पे जाना तो इफ एक्सप्रेशन देन मैच स्टेटमेंट डायरेक्ट और मैच से हम अदर वाली साइड पे ये प्रोडक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज द ओवरव्यू, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. टुडे विल फर्स्ट सी एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्जन, देन लेफ्ट फैक्टरिंग, देन नॉन सीएफएल कंस्ट्रक्ट्स. Then we will move towards top-down parsing and at the end we will start recursive descent parsing. Today we will see a part of recursive descent parsing and hopefully complete this particular topic in our next lecture. Elimination of left recursion. पहले तो हमें ये चेक करना है कि what is the left recursion. A grammar is left recursive if it has a non-terminal a such that there is a derivation like this, a से a की. तो इसको हम left recursion कहेंगे कि a से again वो a को call कर लेगा and फिर a and फिर a, और ये plus भी यही कह रहा है कि there is one or more executions. One plus indicates one or more executions. For some string alpha, alpha वो part है जो repeat नहीं हो रहा या जो दोबारा a को point नहीं कह रहा. So top down parsing methods cannot handle left recursive grammar. Left recursive को हम left recursion को हम remove ही इस वजह से कह रहे हैं कि top down parsing जो है वो left recursion को handle नहीं कर सकती. So a transformation is needed to eliminate left recursion. Immediate left recursion, इसके अब दो टाइप्स, एक immediate left recursion और एक simple left recursion. तो हमने दोनों ही को रिमूव करना है. These are not basically two types, लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि हम left recursion को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. इमीडिएट लेफ्ट रिकर्जन को हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं. ऑलरेडी सीन रिमूवल ऑफ इमीडिएट लेफ्ट रिकर्जन, जो कुछ इस तरह थी A से A alpha, A is the part that is basically causing the left recursion, alpha उसके next वाला हिस्सा and beta जो कोई उसके plus के बाद है. इसकी left recursion हमने किस तरह move की कि A से हमने beta के बाद एक नया symbol लिया which is A dash, और A dash से हम फिर गए alpha तक, A तक और null तक. This A is for
یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو امیڈیٹ لیفٹ ریکرجن تھی وہ ہم نے ریموو کر دی، لیکن اب ہم ایک رائٹ ریکرجن کی طرف فالو کر گئے یا ہم نے اس لائن پہ چل پڑے، بٹ دس ایٹ لیسٹ اس ٹائپ کی مدد سے ہم نے امیڈیٹ لیفٹ ریکرجن ریموو کر دیا، کوئی ہماری امیڈیٹ لیفٹ ریکرجن نہیں ہوگی، ہم اے سے نل کی طرف بھی جا سکتے ہیں ڈائریکٹلی اے ڈیش سے. تو اگر جنریکلی ہم اس فارمولے کو اسٹڈی کریں جس میں ہمارے پاس اے کی زیادہ پروڈکشن ہو سکتی ہیں اور بیٹا کی بھی زیادہ، تو جو سیم میتھڈ ہے جس کو ہم نے تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیا فور جنرل پرپز، جس میں نمبر آف اے پروڈکشن جو ہے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں، این نمبر آف اے پروڈکشن، سو اب ہم اس کو دیکھیں کہ اے الفا ون دس از اے پارٹ الفا ایم، تو ہم نے اب جو بیٹا جو ہیں جو کہ اورنگ میں اس کے علاوہ جس میں ہم اے کے ساتھ اس کو کنکیٹینیٹ نہیں کہہ رہے، تو بیٹا ون کے ساتھ اے ڈیش، بیٹا ٹو کے ساتھ اے ڈیش، اینڈ سملرلی بیٹا این کے ساتھ اے ڈیش، دین اے ڈیش سے سملرلی الفا ون الفا ٹو کے ساتھ اے، اینڈ ایٹ دی اینڈ ہم اس کو نل سے بھی جو ہے یہ بھی ایک ایکسٹرا پروڈکشن ایڈ کریں گے. سملر اسٹرکچر ہے جو ہم نے ایک کے لیے یوز کیا تھا، اس کو بس جنرلائز کیا ہم نے فور نمبر آف این پروڈکشنز، کس میں ہم نے ایک کو بیٹا اے کے ساتھ پھر ایک کو الفا کیا تھا، اس میں ہم نے نمبر آف بیٹاز اور الفاظ کو کر کے ایٹ دی اینڈ یہ ایک پروڈکشن یوز کی ہے نل کی. سو دس پروسیجر ایلیمینیٹس آل لیفٹ ریکرشن فرام دا اے اینڈ اے ڈیش پروڈکشنز پرووائڈیڈ نو الفا آئی از نل، بٹ اٹ ڈز ناٹ ایلیمینیٹ لیفٹ ریکرجن انوالونگ ڈیریویشن آف ٹو اور مور اسٹیپس. اب ہم ایک پروسیجر دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ ہماری لیفٹ ریکرجن کو ریموو کرتا ہے، وچ از ناٹ نیسری کہ وہ امیڈیٹ لیفٹ ریکرجن ہو، دیٹ اٹ کین بی لیفٹ ریکرجن بٹ ناٹ امیڈیٹ لیفٹ ریکرجن. سب سے پہلے تو ہم یہ کلیئر کریں گے کہ واٹ از لیفٹ ریکرجن and what is and that is not an immediate left recursion. Immediate left recursion کا ہم نے کانسیپٹ دیکھ لیا کہ وہ کیا تھا. اگر ہم اس گرامر پہ غور کریں تو دیکھیں کہ ایک پروڈکشن ہے ایس سے اے اے اور دوسری پروڈکشن ہے اے سے ایس ڈی، یہ میں نے اس میں سے ایک یہ پروڈکشن اٹھائی اور ایک یہ، تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس اے سے ہم ایس ڈی کو ریپلیس کر سکتے ہیں، تو یہ کچھ اس طرح کا ریزلٹ دے گا، ایس سے ایس ڈی ہے، اس کو ہم پلس کریں گے یہاں سے کیونکہ ہم نے ایک بیچ میں ایڈ کیا ہے اس کے ڈبل ایرو کے ساتھ، یہ اس کی ایگزیکٹ جو فگر ہے اس کو ہم لکھ رہے ہیں. اگر ہم اس نوڈ کو نکال دیں بیچ میں سے تو پھر ہم اس کے ساتھ پلس لکھیں گے. سو دا مین تھنگ از کہ یہ بھی ریکرجن ہے بٹ اٹ از ریکرجن ایٹ ون اسٹیپ، کہ بھی ایس سے اے دین اے سے اگین ایس، تو یہ بھی لیفٹ ریکرجن ہی ہے لیکن یہ ایک اسٹیپ اس میں یہ انکریز ہو جاتا ہے، اس کو بھی ہم نے ریموو کرنا ہے. ہم جو الگوریدم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں اس کی ایک کنڈیشن ہے کہ اگر ٹو اور مور اسٹیپس انوالو ہو گئے تو تب یہ لیفٹ ریکرجن جو ہے اس پروسیجر کی مدد سے وہ ریموو نہیں ہو سکتی. سیکنڈ کہ الفا جو ہے وہ نل نہ ہو، مینس کہ کوئی بھی الفا، الفا وہ پارٹ تھا جو اے کے بعد جو بھی پارٹ تھا، مینس ان دس کیس اے از الفا، تو الفا وہ پارٹ تھا ان دس کیس یہ الفا ہے کیونکہ یہ اٹ از ناٹ امیڈیٹ لیفٹ ریکرجن، سو دس از الفا، الفا وہ چیز ہے ایس کے بعد والا کوئی بھی حصہ، دیٹ از نون ایز الفا. اس کیس میں ہمارے پاس جو الفا بنے گا وہ ڈی اور اے کا کمبینیشن ہوگا، دس از الفا، کہ الفا جو ہے وہ ناٹ ایکول ٹو نل ہو، یہ ہماری ایک کنڈیشن ہے. نا ول ڈسکس این الگوریزم دا سسٹمیٹکلی ایلیمینیٹس لیفٹ ریکرجن فروم اے گرامر. It is granted to work if the grammar has no cycles of null production. اگر ہم اسی اگزامپل کو
بطور لے کے چلیں اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نل کو پروڈیوس کر رہا ہے لیکن اس کیس میں اس پرٹیکولر ایگزامپل کے کیس میں یہ نل اس سے یوز نہیں ہوگا تو اس وجہ سے ہم اس پرٹیکولر سینیریو میں اس نل کو بوزر نہیں کریں گے تو ان پٹ کیا ہوگی گرامر ود نو سائیکلز اور نل پروڈکشن لیکن چونکہ اس ایگزامپل میں نل پروڈکشن ہے گرامر پروسیجر از سیم لیکن چونکہ اس گرامر میں نل پروڈکشن ہے تو اس لیے اور اس کو ہم بوزر اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ وہ جس وجہ سے ہم نل ریکرشن کو کہہ رہے ہیں ریسٹرکٹ کریں گے نہ وہ اس میں یہ وجہ کا باعث نہیں بن رہی آؤٹ پٹ کیا ہوگی این ایکویلنٹ گرامر ود نو لیفٹ ریکرشن تو دس از آلسو مینشنڈ ایز اے ہنٹ دا ریزلٹنگ نان لیفٹ ریکرسو گرامر مے ہیو نل پروڈکشن سو دس از آور میتھڈ سب سے پہلے ہم نے جتنے نان ٹرمینلز ہیں ان کو ارینج کرنا ہے ان سم پرٹیکولر آرڈر تاکہ ہم ان پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپریشنز پرفارم کر سکیں یہ لوپ اس پہ رن کر سکیں سو فار ایچ آئی فرام ون ٹو این یعنی کہ اسٹارٹ سے اینڈ تک اینڈ فرام ایچ جے ون ٹو آئی مائنس ون فار ایگزامپل اگر میرے پاس آئی ٹو ہے تو ہم نے ایچ جے فرام ون سے لے کے آئی مائنس ون یعنی کہ اس کیس میں لوپ ایک ہی دفعہ چلے گی اور پہلے کیس میں یہ لوپ انر لوپ رن ہوگی ہی نہیں ریپلیس ایچ پروڈکشن آف دا فارم اے آئی کہ یہ ہماری چونکہ لیفٹ ریکرجن شو کر رہی ہے اس کو ہم نے سملرلی جو ہم نے پہلے اسٹیپ میں دیکھا تھا کہ اس کو ہم نے اسے ریپلیس کر دینا ویئر اے جے از اکل ٹو گیما ون گیما ٹو اینڈ کے آر کرنٹ اے جے پروڈکشن المینیٹ دا امیڈیٹ لیفٹ ریکرجن امنگ دا اے آئی پروڈکشن یعنی کہ اس کو ہم نے پہلے امیڈیٹ لیفٹ ریکرجن بنا دینا اور دین امیڈیٹ لیفٹ ریکرجن کو دور کر دینا اٹس ویری سمپل کہ پہلے ہم نے اس کو اس ریکرجن کو امیجیٹ لیفٹ ریکرجن بنا دینا جس طرح اس کیس میں میں نے اب اس کو امیجیٹ لیفٹ ریکرجن بنا دیا لیٹس سپوز اگر میں اس کو اس طرح لکھ دوں ایس سے ایس ڈی اے بی سمپل اے اینڈ اے سے اے سی اینڈ نل تو یہ اب دو سٹیپ سے ایک امیجیٹ لیفٹ ریکرجن جو ہے وہ بن چکی ہے تو پہلے سٹیپ میں یہی کام کرنا ہے اور امیجیٹ لیفٹ ریکرجن کو ہم نے کس طرح ریموو کرنا ہے جس طرح ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا اس فرسٹ سٹیپ کی مدد سے کہ ہم نے اس کو اس طرح ریموو کرنا ہے سو اسی ایگزامپل کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں ٹیکنیکلی دا الگوریزم از ناٹ گرانٹیڈ ٹو ورک کیوں کیونکہ ہم نے پہلے ہی یہ شرط عائد کر دی تھی کہ نل پروڈکشن نہ ہو بٹ ان دس پرٹیکولر کیس دا پروڈکشن اے ٹو نل ٹرنز آؤٹ ٹو بی ہارم لیس سو وی آرڈر دا نان ٹرمینلز ایس اینڈ اے یعنی کہ پہلے ہم نے جو رکھا وہ ایس اٹ مینس کہ یہ اے ون ہوگا اور یہ اے ہے تو یہ اے ٹو ہوگا آئی از اکول ٹو ون ٹو اور اسی طرح اسٹارٹ ہوگا اے میں نے اس وجہ سے یوز کیا کہ ہم نے گرامر کے اندر جو پروسیجر کے اندر سمبل یوز کیا دیٹ از اے ناؤ فار آئی از اکول ٹو ون نتھنگ ہیپنس بیکاز دیئر از نو امیڈیٹ لیفٹ ریکرجن امنگس دا ایس پروڈکشن تو چونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایس کے کوئی بھی امیڈیٹ لیفٹ ریکرجن کوئی نہیں ہے تو اس لیے پہلے اسٹیپ پہ یہ جو ہماری لوپ ہے یہ فرسٹ میں ہی نہیں چلے گی فور آئی اکول ٹو ٹو وہ سبسٹیچیوٹ ایک اس پروڈکشن کو ہم کر دیں گے جس کو میں نے یہاں پہ کیا تھا کہ ایس ڈی اے تو ہم ایگزیکٹلی کیا کریں گے سبسٹیچیوٹ کر دیں گے اے سے اے سی اینڈ ایس کی جگہ ہم نے کیا لکھ دیا اے ڈی یعنی کہ ایس کو ہم نے بیسیکلی ریپلیس کر دیا اس کے ساتھ اے اے کے ساتھ تو اب اس ایس کو چونکہ ریپلیس کر دیا ہاں ہم نے وہی کیا کہ جو ڈبل ریکرجن تھی اس کو ریموو کر کے ہم نے اب جو سیکنڈ سٹیپ پہ ریکرجن لیفٹ ریکرجن میجر اس کو ہم نے امیجیٹ کر دیا تو یہ ہم نے اس کو اب امیجیٹ کر دیا اب یہ امیجیٹ لیفٹ ریکرجن ہو گئی اس کو ہم نے اس وجہ سے کیا کہ اس میں ایک اور بھی لیفٹ ریکرجن تھی اس کو بھی ہم ساتھ ہی ایک ہی جگہ پہ ایڈریس کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ اگر ہم غور کریں اپنی اوریجنل ایگزامپل گرامر کی طرف
तो सेकंड प्रोडक्शन में ऑलरेडी वी हैव एन इमीडिएट लेफ्ट रिकर्जन. इस केस में हमारे पास सेकंड रिकर्जन थी तो हमने इसको सिर्फ रिप्लेस कर दिया ताकि अब यहां पे हो जाएगा एस और दिस बिकम्स ए टू ए सी एंड एस की जगह ए ए डी और चूंकि एस की सेकंड पॉसिबिलिटी भी हो सकती है सो दैट इज बी डी एंड नल. ये उसका रिप्लेस करने का तरीका है. अब जो हमारी ग्रामर बनी है वो यही होगी ए के लिए, एस के लिए सेम रहेगी, ए के लिए जो बनेगी ए सी ए ए डी और ये हमने पार्ट इसमें इंसर्ट कर दिया एंड नल इज एज पर प्रीवियस ग्रामर. सो एलिमिनेटिंग द इमीडिएट लेफ्ट रिकर्जन, इमीडिएट लेफ्ट रिकर्जन का तरीका हमें आता है जो, तो जब इस प्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूं तो जब इस प्रोडक्शन की हम इमीडिएट लेफ्ट रिकर्जन विच इज लाइंग हेयर एंड ऑल्सो वी कैन फाइंड हेयर इसकी जब इमीडिएट लेफ्ट रिकर्जन यूज करेंगे तो हमारे पास ये ग्रामर जो है वो एज ए आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगी. तो इस एल्गोरिदम की मदद से हम उन ग्रामर्स की लेफ्ट रिकर्जन रिमूव कर सकते हैं जिसकी लेफ्ट रिकर्जन सेकेंड स्टेप पे अगर हो रही हो. चूंकि उसकी रीजन ये है कि इसमें हम दो लूप ही यूज कर रहे हैं, अगर हम इसमें तीसरा लूप भी सिमिलर सिंटैक्स के साथ इंसर्ट कर दें तो हम जो अपनी सेक्शन है उसको दो से इंक्रीज करके तीन स्टेप तक कर देंगे, यानी कि तीन से नीचे नीचे वाले 0, 1 एंड 2 उन पे हम ये प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं एंड सिमिलर. तो इसको हम कर रहे हैं और नल प्रोडक्शन हमें अलाउ नहीं है. नाउ विल सी लेफ्ट फैक्टरिंग. अब हमने लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करने का तरीका देख लिया, अब हम लेफ्ट फैक्टरिंग की तरफ जाएंगे कि व्हाट इज लेफ्ट फैक्टरिंग एंड हाउ वी कैन रिमूव द लेफ्ट फैक्टरिंग. लेफ्ट फैक्टरिंग इज अ ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल फॉर प्रोड्यूस अ ग्रामर सुटेबल फॉर प्रेडिक्टिव और टॉप डाउन पार्सिंग. इफ टू प्रोडक्शंस विद द सेम लेफ्ट हैंड साइड हैव देयर राइट हैंड साइड बिगनिंग विद द सेम सिंबल टर्मिनल और नॉन टर्मिनल देन द फर्स्ट सेट्स विल नॉट बी डिसजॉइंट सो प्रोडक्टिव पार्सिंग विल बी इम्पॉसिबल. इस चीज को हम एलेबोरेट करेंगे एग्जाम्पल की मदद से. पहले हम इसका सेकेंड पार्ट भी देख लें. टॉप डाउन पार्सिंग विल बी मोर डिफिकल्ट एज लॉन्गर लुक अहेड विल बी नीडेड टू डिसाइड व्हेन विच प्रोडक्शन टू यूज. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये प्रोडक्शन हो, ये दो प्रोडक्शन है बेसिकली विद दिस सिमिलर लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हमारे पास जो सिंबल है बिगनिंग इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, ये हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि सेम है, अब इसकी जरूरत यहां पे होगी. देन द फर्स्ट सेट्स विल नॉट बी डिसजॉइंट, ये फर्स्ट सेट जो है वो डिसजॉइंट नहीं होगा इस पर्टिकुलर सिमिलर लेफ्ट हैंड साइड सिंबल के लिए. यही हमारी प्रॉब्लम है क्योंकि हमें इस जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होता और ये पूरा लुक अहेड में नहीं जाता या इसको हम कहीं सेव नहीं कर लेते, हम उस वक्त तक डिसाइड नहीं कर सकते कि आइदर दिस और दिस, अनटिल अनलेस के हमारे पास नेक्स्ट जो है ये पूरी की पूरी जो सीक्वेंस ऑफ टोकन्स आ रहे हैं वो ये एल्स ना आए और कुछ और आ जाए तब हम डिसाइड करें इसको. सो इसको मजीद आसानी के लिए अगर हमारे पास इसमें अल्फा जो है इस पार्ट को हम अल्फा कंसिडर कर रहे हैं इसको जो सिमिलर पार्ट है और हमारे अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल को इस नोटेशन में कन्वर्ट करें तो वो कुछ ये होगी, दिस इज आवर अल्फा एंड दिस इज बीटा एंड दिस इज ए. तो ये इसको हम रीराइट करें तो ऐसे होगा ए अल्फा 1 बीटा और अल्फा 1, यानी कि इसका चूंकि और अल्फा है नहीं तो हम इसको सिंपल अल्फा भी कह सकते हैं और बीटा इस केस में नल है. If these are two productions, input begins with a non-empty string derived from alpha. We do not know whether to expand A to alpha B1 or alpha B2. This is a confusion. However, we may defer the decision by expanding A to alpha A dash. After seeing the input derived from alpha, we expand either to B1, जो हमने A को common कर दिया और B2.
means کہ ہم اس چیز کو اکٹھا کر دیں گے اور ایک a ڈیش کر دیں گے جو ان دونوں میں جا رہا ہوگا. let's suppose اگر میں اسی example کی بات کروں اور اس کو اس form میں convert کرنا چاہوں تو وہ کیسے ہوگی. statement if expression then statement اور یہاں پہ میرے پاس جو ہے ایک part آ جائے گا new which is a dash. یہ کوئی بھی symbol ہم use کر سکتے a dash leads to else statement اور null کیونکہ اس کیس میں وہ null ہے. تو یہ ہمارا اس کا result بنے گا یہ apply کرنے کے بعد جو method ہم نے یہاں پہ دیکھا left factoring کے لئے. so after applying this method جو ہماری left factored grammar ہوگی یعنی کہ جس پہ ہم یہ operation perform کر چکے ہوں گے وہ کچھ اس قسم کی ہوگی either b1 اور b2 from a dash اور جتنا part common ہے اس کو ایک ہی دفعہ لکھ دیا اور آگے جو علیحدہ علیحدہ part ہے ان کو دو different partitions میں divide کر دیا. اسی mechanism کے لئے جو algorithm ہے that is a grammar g input کے طور پہ اور output کے طور پہ an equivalent left factored grammar. اس کا پہلا step کیا ہے method کا for each non-terminal a ہر non-terminal جو کہ a ہے find the longest prefix alpha. تو جو longest prefix alpha ہوگا common to or more of its alternatives. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے alpha find alpha یہ ہم پہلے ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں کہ what is alpha in context of left factoring. alpha is the longest prefix which is common in two or more productions generating from the same input symbol. اگر alpha null نہیں ہے there is a non-trivial common prefix جو کہ ہم نے دیکھ لیا تو replace all of the A productions alpha B1 اس type کی جتنی productions ہوں گی اور gamma وہ ہے جس میں alpha موجود نہیں ہے by A to alpha A dash اور gamma A dash سے پھر جتنی چیزیں تھیں اس کے ساتھ وہ ہم کر دیں گے اس کے ساتھ add. gamma represents all alternatives that do not begin with alpha. یہ ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا کہ gamma کیا چیز ہے تو اس کو bn. اب ہم dangling else grammar کو اگر دیکھیں اس کو as example لیں اور اس پہ یہی algorithm apply کریں left factoring والا تو this is s if then else i if then if expression then statement else statement یہ first part ہے if expression then statement یہ پہلی production اس کو کر لیں یہ دوسری production ہے اور یہ تیسری and e expression سے ایک b generate ہو رہا ہے جو کہ کوئی بھی اس کے اوپر جب ہم یہ method apply کریں گے اور پہلے اگر میں اس کو اس notation میں convert کر لوں تو میرے پاس کیا ہوگا. اب ہمارے پاس چونکہ s ہی وہ non-terminal ہے جس کے لئے یہ چیز ہے تو میں اس میں alpha میرے پاس longest prefix same یہ ہے this is the same longest prefix تو میں اس کو convert کروں گا a alpha alpha beta اور a یہ a جتنا rest part ہے وہ gamma میں convert ہو لے گا تو اس production کو ہم اس طرح rewrite کر سکتے ہیں. let's go اگر ہم اسی پر focus رکھیں چونکہ ہماری یہ example تو جب اس کی left factoring کریں گے تو سب سے result is already return لیکن اس کا ہم خود کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگی. s سے اب ہم نے کیا کرنا ہے alpha a dash alpha ہمارے پاس کیا ہے i e t
टी एस और इसको हम ए डैश की बजाय यहाँ पे एथ डैश से नोमिनेट कर देते हैं। और ये पार्ट वैसे का वैसा ही, इसमें कॉमन प्रीफिक्स इन्वॉल्व नहीं है। देन एस डैश से ई एस, ई एस हमारे पास वो पार्ट है जो बीटा था, इसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं ई एस। और ई एस के बाद चूंकि इसमें हमारे पास आगे कुछ नहीं था, नल था, तो इसको मैं साथ एक नल दे रहा हूं। देन ई से बी एज इट इज जैसे कि लिखा हुआ, तो ये एक मेरे पास रिजल्टिंग ग्रामर होगी जो कि ऑलरेडी लिखी हुई है, विच इज अ लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर एंड द मेथड इज रिटन इन दिस पोर्शन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स। नॉन सी एफ एल कंस्ट्रक्ट क्या चीज है? Although grammars are powerful, but they are not all powerful to specify all language constructs. तो यहाँ पे एक चीज जो हम जिसको हम डिस्कस करेंगे कि grammars are a very powerful notation in context of compiler construction. लेकिन grammar इतनी भी powerful नहीं है कि वो सारी languages के construct को absorb कर सकें या उनको represent कर सकें। For example, इस चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जांपल की मदद से। द लैंग्वेज इन दिस एग्जांपल अब्स्ट्रैक्ट्स द प्रॉब्लम ऑफ चेकिंग दैट आइडेंटिफायर्स आर डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज्ड इन अ प्रॉब्लम। तो हमारा मेन पर्पस ये है कि हमने ऐसी ग्रामर लिखनी है कि जो आइडेंटिफाई कर ले कि किसी भी जगह पे आइडेंटिफाइज हैं वो यूज होने से पहले डिक्लेयर हो चुके हैं या नहीं, यानी कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो हमें ये चेक करना है पीछे कहीं डिक्लेयर हुआ हुआ या नहीं। The language consists of strings of the form WCW, where पहला W है वो declaration of an identifier है, C represents an intervening program fragment के जो program use हो रहा है, और W represents the use of the identifier, यानी कि पहली declaration है, दूसरी उसकी उस program fragment है जहां पे ये use हो रहा है, और तीसरी उसका एग्जैक्ट यूज है जहां पे हम उसको कॉल कर रहे हैं, जहां पे हम उसको यूज कर रहे हैं। ये हमारी लैंग्वेज है। सो द एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज इज L1, इसको हमने L1 से डिनोट कर दिया। W इज इन, जो भी हमने इसको हमारा आइडेंटिफायर है वो इन दो लेटर्स पे, उसके इनपुट अल्फाबेट में वो A या B का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है इन दिस एग्जाम्पल। सो L1 consists of, तो ये लैंग्वेज जो है कंसिस्ट कर रही होगी ऑफ ऑल वर्ड्स कंपोज्ड ऑफ रिपीटेड स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज सेपरेटेड बाय सी। फॉर एग्जांपल ये इसके एग्जांपल है जिसमें ए से ये सेपरेट हो रहे, और इसमें हमने ये चीज देखनी है कि जो डबल ए बी होगा वो ही यहां, क्योंकि जो हम डिक्लेयर करेंगे वही हम यूज करेंगे। दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग। द नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्रीडम ऑफ L1 directly implies the non-context freedom of programming languages like C and Java, which require declaration of identifier before their use and which allow the identifiers of arbitrary length. For this reason, a grammar for C or Java does not distinguish among identifiers that are different character strings. तो इसको तो हम चेक कर सकते हैं कि ये दोनों अपनी ग्रामर की मदद से कि ये दोनों डबल ए बी या जो भी ये पैटर्न है वो जनरेट हो रहा है इसी ए बी से। लेकिन लेट्स सपोज अगर यहां पे ए डबल ए बी है और यहां पे डबल ए बी है, तो हमारी ग्रामर इसको भी कहेगी कि दीज आर बोथ वैलिड टोकन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस इनपुट अल्फाबेट्स। लेकिन ये ए जो है, या अगर इस ए को हम यहां पे कह दें, इसको यहां से निकाल दें कि ये ए भी यूज हो सकता है और ये ए भी वैलिड टोकन। इसको मैं दोबारा जरा क्लियर करके लिखता हूं कि फॉर एग्जांपल दिस इज आवर डिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर ये एज इट इज, एंड ये इनपुट अल्फाबेट है जो मैंने यहां पे यूज कर लिया, और वो इसको चेक करेगा इसको और इसको, और यहां पे फैसला कर देगा कि इट इज गुड। इस ए को वो किसी तौर पे भी रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये हमारी ग्रामर की कमजोरी है जिसकी जिसकी हम बात कर रहे हैं।
So now we'll move towards top-down parsing. Top-down parsing can be viewed as the problem of constructing a parse tree for the input string starting from the root and creating the nodes of the parse tree in pre-order. Last we have seen parse tree ki construction dekhi thi, jiske andar humne parse tree ko generate kiya tha. Aur uske andar humne parse tree ki jo parsing dekhi thi, wo depth first traversal isko humne ek technique use ki thi. So if this is our grammar, then the steps involved in construction of a parse tree are, agar hum is grammar ko as an example grammar leke chalein, ye wohi grammar hai jisko humne jiski humne left factoring aur left recursion iski dur karke humne isko is form mein leke aaye hain, jo ki hamari generic grammar expression is equal to term plus expression, us sab ko humne expression plus term tha, kuch is kisam ki grammar thi. E plus T, then E steric T, और जिस तरह आगे कि simple ID भी जा सकता है और factoring, मतलब ये सारी चीजें हमने इसमें check की हुई, ये उसकी grammar है जो के जिसे दो सारी चीजें remove हुई हुई हैं. So the top-down parsing for this input string is, अगर हम इस input string को consider करें, तो इसकी जो top-down parsing है, वो चुसके इस तरह होगी, जो leftmost derivation हम use करेंगे, leftmost. सबसे पहले E, वो क्या, उससे कौन सी हमने use की, TE dash, यानि के, इसको अगर हम number दे दें, तो वहां पे हम exactly, 4 and 5. तो सबसे पहले जो हमने use की, that is first हमने TE dash कर दिया, then हमने use किया T से FT dash. तो FT dash जो है हमारे पास third थी, हमने T पर apply किया FT dash, उसको कर दिया, ये parsing हो रही है इसकी. हमें means के किसी भी non terminal को हम उसके children से, उसकी right side से replace कर रहे हैं. FT dash हो गया, देन हमने f को फैक्टर से रिप्लेस किया. f को फैक्टर से रिप्लेस करने के लिए, id से रिप्लेस करने के लिए हम नंबर 5 यहां पे यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन. देन उसके बाद हमने t डैश को नल से, ये हमारे पास नंबर 4 प्रोडक्शन है, उसको हमने यूज किया. एंड सिमिलरली हमने यहां उसके बाद हमने e डैश को प्लस t e डैश से रिप्लेस किया, व्हिच इज सेकंड प्रोडक्शन. एंड देन हमने टी को एफ और टी डैश से रिप्लेस किया, व्हिच इज थर्ड प्रोडक्शन. एंड देन हमने ई एफ को, क्योंकि हमने लेफ्ट मोस्ट करनी है, तो जो भी पहला हमें नॉन टर्मिनल मिलेगा उसको हमने करना है हर दफा. एफ को हमने रिप्लेस किया आईडी के साथ, जो कि चौथी प्रोडक्शन है. एंड देन अब हमारे पास देखें इस ट्री में कौन सा ये लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है. इस टी डैश को हमने रिप्लेस किया, तो ये हमारे पास इससे रिप्लेस हुआ. अब इस पूरे ट्री में जो हमारे पास नेक्स्ट है वो एफ है, तो नेक्स्ट पे इस एफ को हमने आईडी से रिप्लेस किया. अब इसमें हमारे पास टी डैश है, यहां पे हमने टी डैश को नल से रिप्लेस किया. अब एंड पे हमारे पास ई रह गया, तो इसमें हमने ई डैश को नल से रिप्लेस कर दिया. तो अगर हम दोबारा इसको देखें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, तो हमने ये चूंकि एक ही नॉन टर्मिनल था, तो इसमें ना लेफ्ट है ना राइट है, इट इज इटसेल्फ एंड लेफ्ट, इसको हमने रिप्लेस किया टी से. अब हमारे पास ये लेफ्ट है, तो हमने नेक्स्ट इसको रिप्लेस कर दिया. जब इसको रिप्लेस कर दिया, तो इसका ये लेफ्ट था, इस लेफ्ट को हमने इससे रिप्लेस कर दिया. और ये जो है अब आगे मजीद इसको हम चूंकि एज अ टर्मिनल यहां पे यूज कर रहे हैं, अभी इस ग्रामर में हमने आगे इसको मजीद नहीं किया. अब नेक्स्ट जो नॉन टर्मिनल है वो टी डैश है, तो टी डैश को हमने नल के साथ कर दिया इसमें. और उससे आगे जो हमारे पास नॉन टर्मिनल है वो ई डैश है, तो ई डैश को इसमें हमने इनके साथ रिप्लेस कर दिया. और अब हमारे पास जो टी है, टी को हमने अगेन एफ टी डैश, एंड इस सिमिलर सीक्वेंस हम इसको रिप्लेस करते गए, तो एट द एंड हमारे पास पार्स ट्री जनरेट हो गया, विच इज अ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन. सो कंसीडर अ नोड लेबल्ड ई डैश, अगर हम इस नोड की बात करें ई डैश में, एट द फर्स्ट ई डैश नोड इन प्री ऑर्डर द प्रोडक्शन ई
प्लस टी ई हमने इसको इससे रिप्लेस किया इस चूजन एट द सेकंड ई डैश, सेकंड ई डैश में हमने जो यूज किया दैट इज नल, यानी कि यहां पे जाके हमने पहले जो ई डैश था उसके लिए हमने जो प्रोडक्शन यूज की दैट इज दिस प्रोडक्शन, जब सेकंड दफा हमने उसको रिप्लेस करने की बात की तो तब हमने इस प्रोडक्शन को यूज किया. अ प्रेडिक्टिव पार्सर कैन चूज बिटवीन जो भी हमारी ई डैश की प्रोडक्शन है, यानी कि जो भी नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन है, बाय लुकिंग एट द नेक्स्ट इनपुट सिंबल. यहां पे बताने वाली बात यह थी कि इन दो प्रोडक्शंस में से किसी एक की सिलेक्शन जो है वो नेक्स्ट इनपुट सिंबल को देख के की जाती है, तो और वो नेक्स्ट इनपुट सिंबल किस में देखा जाता है, प्रेडिक्टिव पार्सर में. प्रेडिक्टिव पार्सर बताता है कि जी नेक्स्ट इनपुट सिंबल ये रहा तो तुम ये वाली प्रोडक्शन जो है इसको यूज कर लो क्योंकि आगे इस तरफ हमने जाना है. So the class of grammars for which we can construct predictive parsers looking k symbols ahead, यानी कि एक सिंबल दो तीन उसको हमने जेनेरिकली k symbols ahead in the input is sometimes called LLK class, यानी कि जो class of grammar है जो predictive parsers से हम construct कर सकते हैं looking k symbols उसको हम जो denote करते हैं वो इस notation के साथ. So the question is what does we mean by LL? K तो हमें क्लियर हो गया कि इतने नंबर ऑफ इनपुट सिंबल्स हैं जिनको हम देख रहे हैं लुका हेड के जरिए, जो एक सिंबल हम मोस्टली यूज करते हैं बफर लुका हेड में कि नेक्स्ट ये है नेक्स्ट ये है, लेकिन हम उसको कुछ भी कह सकते हैं कि एक बॉक्स है जिसके अंदर हम वो रखते जाते हैं जो अभी नेक्स्ट कह रहे हैं. LL parser is a top down parser for a subset of the context free grammar. It is basically a parser. इसका नाम LL क्यों है, इट पार्सेस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट. ये हमने देखा कि इसके अंदर भी हमने जो ट्रेवर्स किया वो लेफ्ट टू राइट चलते रहे, लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट. तो एक तो इस वजह से इसको पहला L तो ये डिनोट कर रहा है, पहला L तो ये डिनोट कर रहा है कि इट इज लेफ्ट टू राइट एंड कंस्ट्रक्ट सा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन. दूसरा ये है कि ये हमेशा लेफ्ट मोस्ट को ही डेरिवेशन करता है, उसी की बात करता है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एलएल. अगर हम लेफ्ट मोस्ट की बजाय राइट मोस्ट यूज कर लें तो दैट इज नोन एज एलआर पार्सर, यानी कि हमने स्टार्ट तो लेफ्ट से ही करना है ट्री के लीव से, लेकिन जो डेरिवेशन जो प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं वो राइट है, राइट मोस्ट डेरिवेशन है, तो तब हम उसको मीन्स के अगर स्टार्ट तो हम लेफ्ट से ही करेंगे लेकिन इन दोनों में से अगर हम इसको पहले कर दें और इसको बाद में कर दें तो दैट इज राइट मोस्ट, और अगर इन तीनों में से हम पहले इसको कर दें और इसको कर दें इसको, लेकिन स्टार्ट हम लेफ्ट से ही करेंगे. सो रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग की तरफ अब हम देखते हैं कि व्हाट इज दिस. रिकर्सिंग डिसेंट पार्सिंग इज अ टॉप डाउन प्रोसेस इन विच द पार्सर अटेम्प्ट्स टू वेरीफाई दैट द सिंटैक्स ऑफ द इनपुट स्ट्रीम इज करेक्ट एज इट इज रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इसमें ये बेसिकली क्या करता है, इट अगेन अटेम्प्ट्स टू वेरीफाई, यानी कि ये वेरिफिकेशन ही जान देता है कि जो सिंटैक्स है इनपुट स्ट्रीम का वो करेक्ट है या नहीं, रीडिंग कहां से स्टार्ट करता है, लेफ्ट से. A basic operation necessary for this involves reading characters from the input stream and matching them with the terminals from the grammar that describes the syntax of the input. That's very simple. Recursive decent parsers will look ahead one character and advance the input stream reading pointer when proper matches occur. तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर क्या कहता है, विल लुक अहेड वन करेक्टर, एक एक्स्ट्रा करेक्टर को आगे से रीड करता है और उसको इनपुट स्ट्रीम से मैच करता है. सो दिस इज द प्रोसीजर दैट इट यूजेस फॉर मैचिंग एंड रीडिंग. इसमें जो और इसकी आउटपुट क्या है, रिटर्न टाइप है बूलियन. नेक्स्ट करेक्टर ऑन इनपुट स्ट्रीम को रीड करता है प्री में, और पोस्ट में क्या करता है, रिटर्न ट्रू एंड एडवांस reading pointer and set next to next character if a symbol is equal to next, otherwise return false. If symbol is equal to next then advance input stream pointer, agar symbol
मिल रहे हैं तो एडवांस्ड वन होता जाएगा. नेक्स्ट करेक्टर नहीं मिल रहा, अगर नहीं मिलेगा तो फॉल्स, अगर मिलेगा तो ट्रू. सो द वेरिएबल कॉल्ड नेक्स्ट लुक्स अहेड एंड ऑलवेज प्रोवाइड्स द नेक्स्ट करेक्टर दैट विल बी रीड फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम. कि इनपुट स्ट्रीम को रीड करके जब भी उसको नेक्स्ट करेक्टर मिलता है वो उसको दे देता है कि दिस इज आवर नेक्स्ट करेक्टर. This feature is essential if we wish our parser to be able to predict what is due to arrive at input. So what a recursive decent parser actually does is to perform a depth first search of the derivation tree for the string being parsed. This provides the decent portion of the name. को जो इसका जो decent portion है इस parsing का ये ऐसा करता है. Recursive को हम बाद में देखते हैं. The recursive portion comes from the parser form, a collection of recursive producers. इस recursive descent parser की working को हम मज़ीद बेहतर समझने के लिए इस example को लेके चलते हैं. This is our example. इसमें e से एक id plus t generate हो रहा है, t से एक expression और t से एक id generate हो रहा है. इसमें हमारे पास terminals जो हैं वो id है, दो parentheses हैं और एक अगेन आई डी यूज हो रहा है और प्लस ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो टर्मिनल. डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन, जो इसकी डेरिवेशन है वो ये हो गई कि सबसे पहले एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से आई डी प्लस टी, देन आई डी चूंकि नॉन टर्मिनल है, आई डी इज अ टर्मिनल इन अवर सिनेरियो, तो इसको भी हम नहीं कह सकते. टी को हम अगर रिप्लेस कर सकते हैं, टी के पास जो हमारी चॉइस है दैट इज देयर आर टू चॉइसेस बिटवीन टी, तो हमने टी को इस चॉइस से रिप्लेस किया एंड देन ई को अगेन आईडी से, और फिर ई के लिए हमारे पास फिर आईडी प्लस टी एंड देन टी को हमने इसके साथ रिप्लेस कर दिया. A recursive descent parser traverses the tree by first calling a procedure to recognize an e. जो पहली चीज है ये तो हमारी derivation है, अब हम इसको देखते हैं कि ये हुआ कैसे. So the first thing is a recursive descent parser traverses the tree by first calling a procedure to recognize an e. This procedure reads an x and a plus and then calls a procedure to recognize a t. तो सबसे पहले जो प्रोसीजर कॉल हुआ वो ई को रिकॉग्नाइज करने के लिए हुआ, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले इनपुट पे ई था. ई ने बताया कि इनपुट के ऊपर इनपुट सिंबल जो है दैट इज फर्स्ट इज आईडी एंड देन इज प्लस. यहां पे आईडी को हम आईडी इज इक्वल टू एक्स, हमने इसको सिंपल करने के लिए एक्स यहां पर लिख दिया. तो ये एक नोट कर लीजिएगा पॉइंट कि आईडी इज इक्वल टू एक्स इन दिस पेज. तो उस प्रोसीजर ने क्या रीड किया, पहले एक्स एंड देन प्लस. तो एग्जैक्टली हमारे पास पहले ये आई डी है और फिर प्लस है एंड देन कॉल्स अ प्रोसीजर टू रिकॉग्नाइज अ टी, और टी को रिकॉग्नाइज करने के लिए फिर एक प्रोसीजर कॉल कर लिया. अ प्रोसीजर ई नेक्स्ट, नेक्स्ट का प्रोसीजर क्या करता है, इफ सेम एक्स नेक्स्ट एंड सेम प्लस देन टी. यानी कि अगर इस किस्म का होगा कि सेम प्लस एक्स इसको हम कह रहे हैं प्लस है टी है, तो फिर टी को रिकॉग्नाइज करने के लिए कॉल कर ले. वो एल्स एरर हैंडलर, अगर वो ये नहीं फॉर्म दे रहा मींस के आईडी के बाद प्लस आ रहा है और प्लस के बाद कोई अगेन प्लस आ रहा है, तो इस सिनेरियो में वो एरर रिटर्न कर देगा. नोट दैट एरर हैंडलर इज अ प्रोसीजर, इट इज अगेन एन प्रोसीजर दैट नोटिफाइज अ यूजर दैट अ सिंटेक्स एरर हैज बीन मेड एंड देन पॉसिबली टर्मिनेट एग्जीक्यूशन. तो इस सिनेरियो में वो एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट भी कर सकता है. तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर जो है वो सबसे पहले ट्रेवर्स कर रहा है ई को. जब उसने ई का नेक्स्ट चेक किया तो उसको ई के नेक्स्ट में क्या मिलेगा, आईडी. उसको चूंकि हमारे पास आईडी है तो हमने इसलिए आईडी के इफ सेम एक्स इफ सेम आईडी है तो तब नेक्स्ट एंड सेम प्लस ऑन देन टी. अगर हमारे पास दूसरा सिनेरियो होता इनपुट पे तो हम चेक करते कि ई के केस में हमारे पास चूंकि कोई दूसरी प्रोडक्शन नहीं है तो ई के केस में हमारा यही होगा. अब हम दूसरा केस कंसीडर करते हैं टी.
टी के केस में हमारे पास दो प्रोडक्शंस हैं, तो कंफ्यूजन उसको यहां पे होगी कि आइदर टू चूज दिस और टू चूज दिस प्रोडक्शन। अब इसको हम देखते हैं, इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज अ टी द पार्सर मस्ट फिगर आउट विच ऑफ द प्रोडक्शंस टू एग्जीक्यूट। तो पहले टी नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो हमारा टी नेक्स्ट है, इसमें दो कंडीशन है, इस तरह जितनी प्रोडक्शन होंगी उतनी ही हमारी कंडीशन होंगी इसके अंदर। इफ सेम अगर तो उसको स्टार्टिंग प्रेंसेसिस मिल जाती है देन वो इस रूटीन को फॉलो करेगा, अगर उसको स्टार्टिंग प्रेंसेसिस नहीं मिलती और एक्स मिलता है मींस आईडी देन वो रिटर्न कर देगा सिंपल आईडी। तो इसमें हमारे पास यही है कि दूसरे में सिंपल आईडी है और पहले में हमारे पास साथ नेक्स्ट करेगा, नेक्स्ट को फिर कैलकुलेट कर लेगा, नेक्स्ट के जरिए हम उसको चेक करते रहेंगे इफ सेम देन नेक्स्ट, तो उसको दोबारा ई के लिए वो कॉल कर लेगा। सो इन दिस रूटीन द पार्सर डिटरमिन्स वेदर टी हैड द फॉर्म दिस और सिंपल एक्स मींस आईडी कि हमारे। अब ये पार्सर, ये हमारा रिकर्सिव डिसेंट पार्सर है, अब ये रिकर्सिव डिसेंट पार्सर हमें चेक करके बताएगा कि जो नेक्स्ट फॉर्म इनपुट पे वो क्या कॉम्बिनेशन बना रही है, ये कॉम्बिनेशन बना रही है या ये कॉम्बिनेशन बना रही है। If not, then the error routine was called. Otherwise, the appropriate terminals and non-terminals were recognized. So, all one needs to write a recursive decent parser is a nice grammar. But what exactly is a nice grammar? इस चीज को अब हम hopefully अपने next lecture में continue करेंगे इंशाल्लाह. So, stay tuned till next lecture. And this is all for today. Thank you guys. Have fun.